दूसरी माचिस भी खराब आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल भी मसाला आ नहीं रहा इनके ऊपर। बस यही पीते रहियो यहाँ बैठे बैठे या फिर रोटियां तोड़ियो, और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे लिए? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि घर में कोई काम भी करना है उसे भी देख लूं। बीड़ी पीने में काहे की शर्म है भाई, दुनिया पी रही बीड़ी? बीड़ी तो पी रहे हो मगर और भी तो काम करो जो तुम्हें करने चाहिए। अरे और क्या करवाएगी मुझसे हैं, जब जवान था मैंने बथेरा करा। क्या करा तुमने? क्या करा मैंने? दो दो बालक कर दिए और क्या करवाएगी मुझसे? बालक तो तुमने कर दिए मगर उनका ब्याह हुआ भी सोचिए कुछ, लौंडा तो लेके भाग गया। जब तुमने ब्याह ना करो सही टाइम पे तो ऐसी किस दिन लौंडिया भाग जाएगी? कर देंगे भी बालक है वो, ऐसी कौन सी जल्दी हो रही है ब्याह की? बालक है वो सारे ही सारे थे ब्याह करवाने के, तुम समझ ही नहीं रहे। सारे दे मैं? और क्या ना, पढ़ ले ये पढ़न दे पहले उसे। पढ़ाई उड़ाई में ध्यान ना, उसका ध्यान शादी हो जाए उसमें। ब्याह करना पड़ेगा उसका? कैसे बताऊं मैं और कितनी क्लियर बता दूं मैं तुम्हें, वो खूब जा रही है ब्याह करवाने की पर तुम समझ ही नहीं रहे। अरे मैं सोच रहा अभी जवान है पढ़ लिख लेगी, कहीं नौकरी नाकरी लग जाएगी, उसके बाद ब्याह कर दूंगा। मेरी बात को समझो, जवान वान कुछ ना, उसका सही टाइम पे ब्याह हो जाएगा, वो भी अपने घर की हो जाएगी। लौंडा तो लेके भाग ही गया, वो भी हो गया अपने घर का, फिर अपने दोनों कहीं घूमने चलेंगे फ्री हो के। मतलब बात तो तू सही कह रही है। हाँ चल करूंगा मैं बात उस बिचौलिए से। हाँ तो करो फिर। अरे चौधरी साहब हो गए क्या घर में? अरे शादी राम भाई साहब तू ना मनने का जल्दी बिल्कुल भी, अभी तेरी बात कर रहे थे हम दोनों। आजा आजा जब पानी के अंदर जाए। अरे चौधरी साहब राम राम। राम 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 राम। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, मैंने सोची थी तुम कीड़े पड़ के मरोगे पर भाई साहब गलत था मैं, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी तो, अभी तुम्हारी बात चल रही थी। हाँ जी हाँ। अरे हाँ। अरे यारो बीड़ी पियोगे? अरे यारो पहले से फेंक दो, मुझे एलर्जी है बीड़ी उड़ी से। बीड़ी पीते ना हो तुम्हें? ना ना मैं ना पीता यारो। लो फेंक दिया यारो। लो पानी। पानी पियो। वैसे एक बात कहो चौधरी साहब। हाँ लौंडिया बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी। लौंडिया ना मेरी बहू है यू। तुम्हारी मंगलसूत्र देख ले, सिंदूर देख ले, बिछुए देख ले बिछुए पैरों में। अरे इसे ससुरे को बैल को कहां से छैल मिल गई? क्या कह रहे हो? ओ मैं कह रहा हूँ भाभी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी जोड़ी एक नंबर है। तब नहीं कह मैं। अच्छा रिश्ते की बात क्यों ना कर रहे लौंडिया के? अंदर को अब वैसे तुमने बताया ना काय को याद कर रहे थे हमें तुम। अरे तुम्हारा काम क्या है ये बताओ पहले। हमारा काम ब्याह करवाने का ना। हाँ किसी की बिगाड़ी हो तो उसे सुधरवाना, किसी की ना बन नहीं हो तो उसे बनवाना, और किसी का ब्याह ना हो रहा हो तो उसे हम करवा। मैं इसी मारा तुम्हें याद कर रहे थे हम। अच्छा ये तो खैर हमारी लुगाई थी। हाँ पर हमारी लौंडी जवान हो रही है। लौंडिया जवान हो गई? और जवान हो गई लौंडिया, पूरी जवान हो पड़ी इस टाइम तो। अरे यारो अभी हम पीछे आए थे तो रह चाटते फिर रही थी ऐसी वो। अरे अब तो जवान हो गई वो, हमारे कुर्ते में से 200 रुपए चुराए लिए तुमने। उतने बालक थी वो। अच्छा बड़ी हो गई अब 200 ने चुराते और 1000 चुरावे डायरेक्ट। जवान हो रही है ना तो यार कहीं कहां बढ़वा लौंडिया का हमारी। अच्छा ब्याह करवाना है? ब्याह करवाओ कहीं, लौंडा बढ़िया हो खाते पीते घर का। अरे यारो चौधरी साहब तुम टेंशन मत लो, तुमने हमें बुझाना तो लौंडा तो एक नंबर दिलवाएंगे। एक नंबर लौंडा चाहिए जो तुम्हारी दावत पक्की है फिर। अच्छा मुंह मांगे दावत मिलेगी? दावत में अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, पूरी बोतल चलेगी खाली। आरस क्यों नहीं चाहिए? अरे जोन से कह दो पिलवाओगे बस हमारी लौंडिया का, तुम ये टाके से टाके बढ़वाओ। अरे टेंशन मत लो तुम, अभी जा रहा हूँ मैं तुम्हारा अगला वाला गांव जो वो लूट लूट में लूट में जा रहा हूँ, उसमें एक लौंडे का ब्याह करवा रहा हूँ मैं। अच्छा 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 तो हमारे भी देखे कुछ यार। अरे मैं देख लूंगा कोई लौंडा। हाँ अब बताइए हमें जरूर। अरे टेंशन मत लो, आज क्या तारीख है? आज 29 तारीख है। हाँ 3 तारीख को मैं जवाब दे दूंगा तुम्हें। 3-4 दिन में है? हाँ 3-4 दिन में जवाब दे दूंगा। ठीक है भाई साहब जवाब जरूर दियो। पर वो अरे दारू मिल जाएगी कच्ची पक्की जैसी तुम कहोगे। अरे चखने में वो मंगाइयो दालमोट। दालमोट बड़ी चटपटी होवे, प्याज वाज डाल के नींबू डाल के
कटकारा मार दिया एकदम। हाँ वही वही। ठीक है तुम हमारा लोंडिया ब्याह करवाओ, दावत देंगे मुंह मांगे। चलो ठीक है फिर चल जाऊ मैं। ठीक है जी चलो ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। शादी राम से बात तो कर ली, मुझे पता जल्दी से जल्दी जवाब देगा यू। शांति, ओ शांति कहाँ मर गई? मेरे ससुराल ने हगक के डाल दिया, इतना तो यार खाते पिला जितना हकती है। बड़ा परेशान हूँ, मैंने बेचूंगा तुम्हें, रुक जाओ एक एक को बेचूंगा तुम्हें। अरे चौधरी साहब। है शादी राम। अरे चौधरी साहब क्या हाल है? बढ़िया तू सुना? अरे ठीक है बस यार। यार तेरी बड़ी लंबी उम्र है भाई। क्यों भाई? अब अभी तुझे याद कर रहा था मैं। अजी हाँ। हाँ। अरे यारो क्या बात है, आजकल लोग बाग इतना लुगाइयों को याद ना कर रहे जितना मुझे याद कर रहे हैं। अबे तू है ही ऐसी चीज, लुगाइयों से बढ़ गया है, क्योंकि तो आदमी को लुगाई दिलाता है। पॉइंट की बात कह दी। पैसा बताओ क्यों याद कर रहे थे? है यार हमारे एक लोंडा है, वह जवान है। हाँ? तो उसकी शादी करवा दे। अच्छा तुम्हारा भी लोंडा जवान हो गया? और 25 साल का हो गया। यारो बालक ऐसे जवान हो जा मैं पता ही नहीं चलते। सही कह रहे हैं, पता नहीं चलता। हाँ तो ब्याह करवाना है उसका? हाँ यार उसका ब्याह करवाना, बड़ी परेशान कर रखा उसने, मोहल्ले से रोज शिकायत आती है उसकी। मोहल्ले में कोई सी ऐसी लड़की नहीं है जो इन्हें छेड़ी ना हो, सबकी मंगली करता है। मतलब इतना बदतमीज हो गया? और परसों हमारी ताई को छेड़ दिया। ताइयों को भी ना छोड़ लिया? अब ताई को भी ना छोड़ लिया, उसकी तो दादी लगी। अब तो शिकायत आती होंगी बहुत तुम्हारे घर। बहुत आ रही है, बड़ा परेशान है तू, शादी करवा। तो अब ब्याह करवाना है? हाँ ब्याह करवाना। तो चलो ब्याह तो हम करवा देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ लोंडा वोंडा करे क्या है, तुम्हारी जमीन कितनी है? लोंडिया वाले पूछे हैं इन बातों को। हमारी जमीन सोभी का है, मेरी खुद की। खुद की? तुम्हारी सोभी का जमीन है? हाँ भाइयों से अलग। अच्छा जी। हाँ अब मेरा एक ही लोंडा, मरने के बाद तो उसकी हो जाएगी। अच्छा। हाँ तो फिर मतलब है यू बता दो, कोई डिमांड डिमांड तो ना तुम्हारी? यहाँ पे कोई हमारी डिमांड ना है, इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, सब कुछ है, पर हमें थाल निभा दियो कोई लड़की के लिए, क्योंकि लड़की अपने घर से यहाँ आएगी और यहाँ से अपने घर जाएगी तो पैदल जाते हुए अच्छी थोड़ी लगेगी। अच्छा थार चाहिए ब्याह में? हाँ थार में डुप्पा सी तो होवे, 3-4 लाख में आ जा। 3-4 की ना? अब तो 13-14 लाख से शुरू है। हाँ जितने की भी आ रही हो पर हमें लिवा दियो, इतने बड़े जमींदार आदमी है हम। चलो तुम परेशान मत हो, मैं लोंडिया वालों से बात करूंगा। हाँ तुम बात करियो, और हाँ जैसे हमारे समधी घर पे आएंगे तो उन्हें पानी तो पिलाना पड़ेगा, और गर्म पानी पिला दिया तो चिल्लाएंगे, ठंडा पानी हो बन के लिए ठंडा। अच्छा तो मतलब फ्रिज भी चाहिए होगा? हाँ फ्रिज भी। और लोंडे के कपड़े भी धुलेंगे, मेरे भी धुलेंगे, उसके भी धुलेंगे, तो एक वॉशिंग मशीन भी चाहिए होगी। हाँ। चलो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा लोंडिया वालों से। हाँ और सामान अपने हिसाब से बता दियो। चलो ठीक है। हाँ। तो कब तक बता दोगे? जल्दी बता दूंगा, 1-2 दिन में। बहुत अच्छी बात है यार, पर लड़की का फोटो लेके आना जब भी आओ। फोटो? हाँ फोटो। चलो ठीक है फोटो ले आएंगे। यारो कैसी बात कर रहे हो तुम। हाँ, चलू मैं फिर। अब छिपिएगा बता दिया, रिपोर्ट रखी है। यारो चौधरी साहब उसे तो मैं भूल ही रहा था। चलो फिर पिलवा दो यारो। यार अभी बत्ती शादी वाले दिन पी लिए, पहले रिश्ता तो पक्का करवा। चलो पहले रिश्ता पक्का करवा दो, उसके बाद पीएंगे। हाँ दोनों मिलकर पीएंगे। चलो फिर ठीक है चल ले मैं। ठीक है चल। ठीक है राम राम चौधरी साहब। राम राम राम। ठीक है जी। यार अब तो मेरे लड़ने का भी रिश्ता हो जाएगा, हमारे घर भी बहू आ जाएगी, और मुझे रोटी पका के देख लेगी, अब खुद ना पकानी पड़ेगी रोटी, बस शादी करूँ मैं तो एकदम। पूरे पेड़ पे कीड़े लगे पड़े हैं, दवाई डालनी पड़ेगी। और अरे यारो चौधरी साहब राम राम। अरे शादी राम कैसे मेरे ऊपर चढ़ा है कैसे? अरे यारो अब क्या बता मैं तुम्हें चौधरी साहब, वो तुमने कही ना थी लोंडिया के रिश्ते की बात को? हाँ रिश्ते की बात की कही थी हमने। अरे लोंडा मिल गया, एक नंबर लोंडा है। हाँ? एक नंबर लोंडा है, यू समझ लो कि तुम्हारी लोंडिया रानी बनकर रहेगी। अच्छा सो बीघे जमीन है लोंडे पे। सो बीघे जमीन? और शांति। अरे शांति तो खुश हो जाएगी, एकदम खुश हो जाएगी, पागल हो जाएगी। शादी राम आया लोंडिया का रिश्ता लेके। अच्छा नो कह रही बहुत अमीर लोंडा, सो बीघे जमीन है उसकी।
100 बीघे जमीन मेरी लौंडिया तो रानी बन के रहेगी, रानी महारानी बन जाएगी। करवा दो। हाँ यारो, पर उनकी डिमांड है थोड़ी सी। अरे क्या डिमांड है, जल्दी बता, हम तो कुछ भी दे देंगे अपनी लौंडिया के लिए, जान भी दे देंगे दोनों हम। अरे चुप हो जा, क्या डिमांड है? अरे डिमांड यो है, लौंडा ब्याह में थार मांग रहा। थार? हाँ थार। अरे दे देंगे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? एक ही तो लौंडिया छाती पर रख के मरोगे, इतनी जमीन 20 लाख से शुरू हो रही है थार, पता कुछ ना? 20 लाख है ना, 12 लाख की आ रही है, मुजोरी कर रहे हो, मुझसे कल ही एड देखा मैंने टीवी में। अरे तो देखो, लौंडे पे 100 बीघे जमीन है, लौंडिया रानी बन के रहेगी। समझ ही नहीं रहे, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई घास चढ़ने? चलो ठीक है, मैं किसी और का भिड़वा दूंगा उनसे। थार चाहिए ना? थार चाहिए, दे देंगे। चलो दे देंगे, दे दी। तुम कहो तो शाम को खड़ी करवाए दे। समझ लो तुम्हारी लौंडे रानी बन गई। बन गई? एक काम करो, अब तुम्हारी लौंडे कोई फोटो उठू हो तो बोला आ दो। फोटो है कोई लौंडिया का अपनी? अच्छा फोटो उठू तो ना, और वो लौंडिया भी ना हो तो अपनी मौसी घर गई है तुम्हें। लौंडिया मौसी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है, और आज के जमाने में कौन फोटो उठ खींच रहा? साले कैमरा मैन साले बहुत बहुत पैसे मांगे फोटो खींचने के। और यू तो है ना, तो और कुछ हुलिया रखा लौंडिया का? हुलिया है का? हाँ, चाल नैन नक्स आँख नाक कैसी है उसका हुलिया है हमारे दौरे। वही ला दो यारो। जसांति घड़ाना पड़ा कोने में को, उसमें लौंडिया का हुलिया रखा, आओ निकाल ला। जल्दी करो थोड़ा सा, लौंडिया बहुत बढ़िया हमारी। अजिया हमारी लुगाई देख रहे हो? हाँ लुगाई पे गई बिल्कुल। अच्छा एकदम परी है परी। अरे यारो ऐसी की तो जरूरत थी, ये समझ लो यू तो 20% भी ना उसकी। अच्छा हुलिया जो है इसमें हुलिया उसका? ठीक है मैं पढ़वा दूंगा ना आज ही जाके, दो दिन साहब ब्याह करवा दो बस। अरे दावत तैयार रखियो, अगर उन्हें थार देंगे ना तो स्प्लेंडर तुम्हें भी देंगे। अजी हाँ हाँ। अरे चौधरी साहब तुम्हारी आदत बहुत बढ़िया। तुम्हारी आदत को नहीं लगेगा कोई भी। ठीक है फिर चले हुए भाभी, तुम्हारी तो आवाज में भी रस है रस। अरे जा थर की है पूरा, कम बोले कर इससे, इसकी नियत खराब है, तेरे पर नजर है इसकी। मैं तो अपने लौंडिया के रिश्ते की बात करूं, कोई मुझे अच्छा थोड़ी लगे आई हूं। नंबर एक का लुगाई बाज है यू। वो तो खैर दिख रहा है, नु देख है, नु फोटो को दबा के ऐसा कर रहे होगा? ऐसे कर रहे तो सैम गुंडा नंबर एक का। मैं ना देखती हूं उसकी तरफ को। अब एक काम कर, वो ना ज्ञान सिंह अपनी भैंस लेने कह रही है वो। अच्छा तो घड़े में होलिया रखा, होलिया निकाल ला, जाकर दिखाई हमको उसे। उसी घड़े में रखा होलिया, निकाल ला। पहले ही मंगा लेते दोनों। लिया जाएगा वो, जोर पड़ जाएंगे कि तुझे भैंस बिक जाएगी तो सारा लग जाएगा ब्याह में, और क्या 1.5-2 लाख की भैंस है, और कुछ ना खाने खाने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। भैंस वैसे बढ़िया बिक जाएगी, अपनी लौंडिया के ब्याह में दावत हो जाएगी अपनी। हाँ। दावत के पैसे भी हाथ तार देगी। 4 लीटर दूध दे रही है एक टाइम। हाँ, और क्या। अरे लौंडिया का हुलिया था यूरिया अपने। हाँ? भूरी आंखें रंग गोरा पतली कमर 34 सीना यूं तो। अरे तो लौंड मतलब तूने शादी राम को जो हुलिया दिया वो भैंस का दे दिया। मेरी सुसरी मारूं इतनी मोटी बुद्धि तो पढ़ना सकती थी बिल्कुल भी। मुझे क्या पता उसमें दो पड़े, मैंने नू हाथ डाला नू निकाला आ गया, मैंने लाके दे दिया। शादी राम वहां जाएगा भैंस का हुलिया बताएगा। ओह नो, अब तो बता भी दिया होएगा। हो गया अब हो गया भैया, मुझे तो यू आ रही शादी राम का क्या होगा, तुझरी मारू। मीचे मिच पे हाथ मत उठाइयो, गलती तुम्हारी है सारी। कैसे होगी, दिमाग खराब हो गया। कैसे क्या होएगी अब झेलो। अरे बता, अब लौंडिया का ब्याह भी ना होता दिखे। पापा मैं ना ब्याह ना करवा रहे, हम तो कह रहे हैं मैं तेरा ब्याह करवाऊंगा। बेटा मैंने करिए थे रिश्ते की बात, तुझे बताना भूल गया था। किससे करिए? शादी राम से। अरे शादी राम चाचा से? हाँ। अरे चाचा नमस्ते। नमस्ते लल्ला, आज बड़ा मेहरबान हो रही है, पैरों छू रिया, कैसे हो तुम? शादी करा रहे हो ना मेरी? बेटे आराम ही है पूरा। और वे शादी राम तू बड़ी जल्दी आ गया, तू तो 2 दिन बाद आने वाला था। अरे यारो चौधरी साहब बात हो ऐसे, रिश्ता मुझे अभी मिल गया तो मैंने सोचा देरी क्यों करे, अभी हाथों हाथ रिश्ते करवा दे मैं। यार बहुत बढ़िया करा तूने, लड़की का फोटो दिखा। अरे फोटो तो ना मिला यार चौधरी साहब, हुलिया मिला है उसका। अबे यार हुलिया ले आया, अबे ये तो और अच्छी बात है। पापा ये हुलिया क्या हो वे? अरे बेटा हुलिया ये हो वे है, लौंडिया जैसे भी है ना, मतलब कितनी लंबी उसकी टांग है, कितने हाथ है, कैसा रंग है, कितना सीना है, कितनी कमर है, कितनी आंखें हैं, उसके बारे में उसमें सब कुछ लिखा होता है, ये होता हुलिया।
सही में? हाँ, इससे तो पता चल जाएगी हम कैसी लड़की है। और क्या, रुक जा मैं पढ़ के सुनाऊं तुझे। हाँ पढ़ के सुना। हाँ जल्दी पढ़ के सुनाओ, जल्दी खोलो, मुझसे सवन ना हो रिया। अरे पढ़ ले, रुक तो जा। लो जी सबसे पहले लोंडिया का नाम है उसका छम्मक छल्लो। छम्मक छल्लो? अरे भाई वाह, क्या नाम है छम्मक छल्लो। बड़ा अजीब नाम है पर है बहुत खूबसूरत। हाँ बहुत बड़े प्यारा नाम है, बहुत प्यारा। हाँ आगे पढ़ो। अब है लोंडिया का रंग है काला। काला? अब पापा लोंडिया का रंग काला? साध राम, लोंडिया का रंग काला है? अरे यारो रंग ही तो काला है तो लोंडिया ही वो। हाँ हाँ यार है तो लोंडिया ही। अरे लल्ला कोई बात ना, तेरी माँ भी तो सांभरी थी, पर कितनी खूबसूरत लगा है। हाँ वो तो है, ऐसे तेरी बहू होगी। अच्छा हाँ चलो ठीक है, आगे पढ़ो भाई। ठीक है, अब है जी लोंडिया के एक लंबी पूंछ। लंबी पूंछ? अरे वो ऐसा है ना, इन्होंने वो बालों की चुटिया ना हो गए इतनी लंबी। हाँ। तो चुटिया को पूंछ लिख दिया होगा। अच्छा पढ़ लेना तो होगा। हाँ जी लोंडिया के हैं चार थन। चार थन? पापा मैं ना करने का शादी से। साध राम भाग पीली कैसे, चार थन किसके होम है? अरे चौधरी साहब तुम सोचो ना, तुम एक बार कुछ सोचो, सबकी बहुओं के दो होम है, तुम्हारी के चार आ रहे हैं, वो तो भगवान की देन है, कोई बिचारी ने उसने खुद थोड़ी ना लगा लिए। अरे लल्ला तू एक बार को सोच के तो देख, तेरी के चार होंगे, दो बाल को पिला दे करी और दो के तू। सही कह रहे हैं अभी साध राम, बड़ा कॉमेडियन आदमी है तू। अरे तुम्हारे लौंडे के तो मजे हैं। अरे लल्ला कर ले, दो तू पी ले, दो बाल को पिला दिए और क्या। चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है। हाँ और आगे सुना भाई। आगे सुना रहे हैं और जी लौंडिया है 6 महीने की। अरे ना ना ऐसी कोई बात ना, मुझे लगा कोई गलत फहमी हो गई। साधी राम तूने कहा रंग काला, फिर भी हमने देखा भाला। तूने कही एक लंबी पूछ, हमने तना ली अपनी मूछ। और तूने कहा चार थन, फिर भी हमने समझा लिया अपना मन। लेकिन 6 महीने की आवाज नहीं चलेगी। चौधरी साहब एक बार देखो, माफ कर दो, देखो पता नहीं कैसा होलिया दिया उन्होंने यारो। बस साले तू हमें बहुत दे जाए भैंस। अरे मार के मार। अरे भैया, अरे चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, अरे अरे साले हमें बहुत मार रहे हैं भैंस। हम जइए आज के बाद साले।